काम अब तक ठीक करते रहे हैं, तो आगे भी आप मौका दीजिएगा ताकि बिहार को नई ऊंचाइयों पर, और ये तो ऐतिहासिक भूमि है, हम तो नमन करते हैं इसका। और हम लोग के उम्मीदवार शालिनी मिश्रा जी, इनकी माता जी की मृत्यु हुई, हम लोगों को मालूम हुआ 10वां दिन है, हम तो उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इनके घर पर गए थे हम, उनसे मिलने का भी मौका मिला था, और इनके पिताजी जब सांसद थे तो हम भी सांसद थे, तो उनसे तो मिलने का मौका हमारा रहता ही था, लेकिन हम मिले हैं। मुझको सचमुच तकलीफ हुई है, पीड़ा हुई है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद, चूंकि चुनाव का अभियान है और आप जानते ही हैं कि इस अभियान में तो जो भी उम्मीदवार है उसको रहना है, इसलिए इनके प्रति हर किसी की सहानुभूति होगी। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि एकजुट होकर के, और एनडीए की सुयोग्य उम्मीदवार शालिनी मिश्रा जी को तीर छाप के बगल का बटन दबा करके विजयी बनाइएगा, यही आग्रह करेंगे, क्योंकि हमको भी कई जगहों पर जाना है। तो क्या उम्मीद, अरे जिताइएगा ना इनको, हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका आदेश हो तो हमको, हम इनको जीत का माला समर्पित कर दें, कर दें। तब आप लोगों की सहमति से हमने इनको जीत का माला भी समर्पित कर दिया है। आप एकजुट होकर के, सब लोग मिलकर के, और जो 3 तारीख को वोट है उस दिन एकदम जाकर के वोट करिएगा। और बहनों से तो यही कहेंगे कि सबसे पहले वोट दे दीजिएगा, ये आप ही की ना है, आई सब दिन आप ही के बारे में सोचती रहेंगी, और खाली आप नहीं बाकी लोगों के बारे में भी सोचती रहेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, पुनः आपका अभिनंदन करता हूं, और आगे जाने की इजाजत देता हूं।